15 साल तक मंत्री रहे राजेंद्र शुक्ल के बड़े भाई विनोद शुक्ल को कांग्रेस ने रीवा लोकसभा के समन्वयक की कमान सौंपी। श्री शुक्ल ने सभी नेताओं के बीच तालमेल बिठाकर लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी में अभी हाल ही में शामिल हुए मध्य प्रदेश के लगातार 15 सालों तक विभिन्न विभागों में मंत्री रहे रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के बड़े भाई को आपसी तालमेल समन्वयक बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। हम आपको बता दें, विनोद शुक्ल ने अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। उन्हें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का एक गंभीर उम्मीदवार माना जा रहा था, लेकिन टिकट मिली स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी के पुत्र सिद्धार्थ तिवारी को। रीवा जिले में आपसी तालमेल समन्वयक बनाने का काम मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विनोद शुक्ल को सौंपा है। वह जिले के सभी नेताओं को आपस में बैठाकर समन्वयक बनाकर कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में जिताने का काम करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा, बड़ा भाई कांग्रेस की कमान संभालेगा तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की कमान उनके छोटे भाई रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के पास है। निश्चित रूप से इन दोनों ऐसे ही कोई एक लोकसभा चुनाव में बाजी मारेगा। अब देखना है विजय श्री छोटे भाई के हिस्से में आती है या बड़े भाई के। राजेंद्र शुक्ल पूर्व में ही कह चुके हैं कि मैं अपने लिए जितनी मेहनत करता था उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में जिताने के लिए कार्य करूंगा। उनकी उपस्थिति भी आपको बहुत जो ये दायित्व दिया गया है, तो जो यहाँ के कांग्रेस जन है, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता, उन सबको जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और कमलनाथ जी जो हमारे अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के और मुख्यमंत्री भी हैं प्रदेश के, उनकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ये मेरा उद्देश्य रहेगा, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में एक प्रचंड जीत की तरफ हम लोग बढ़ें और ये संकल्प लिया जाएगा हम लोग द्वारा। अभी आपने कल्याण के लिए पार्टी एक माध्यम होती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, वो अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा। कितनी पारदर्शिता रहेगी? पूरी पारदर्शिता रहेगी, और उन्होंने तो बोला भी है कि मैं प्रचंड पराकाष्ठा तक करूँगा, इसी तरह मैं भी प्रचंड पराकाष्ठा तक कांग्रेस की कांग्रेस का प्रचार करूँगा। आप हर समय पार्टी बदलते हैं, एक साल से छः महीने में इस बार कितने दिन रहेंगे कांग्रेस? देखिए, हम लोग हमारा परिवार कांग्रेस पार्टी में रहा है सदैव, और भारतीय जनता पार्टी में परिवार के सदस्य थे, और मैं तो कांग्रेस में था और बीच में थोड़ा भ्रमित हुआ एक मर्यादा के कारण कि परिवार की मर्यादा न टूटे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को बांटती है, समाज को बांटती है, परिवार को भी बांटती है, और किसी भी परिवार को उनको तोड़ने में कतई वो नहीं रहता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं उन्हें अपनी घर की पार्टी में आ गया। शुक्ला जी जी, आप आए बहुत कम हैं। नहीं नहीं, पूरी तरह सब लोग साथ में हैं पार्टी के। कल जो ये नामांकन भरने के पूर्व में जो सम्मेलन था कार्यकर्ताओं का, उसमें आपने देखा होगा कि स्वेच्छा से पूरे सुरूर गांव-गांव से लोग आए, उनको बुलाया, केवल उनको सूचना दी गई थी, सब अपने साधन से आए हैं, तो पूरी कांग्रेस एकजुट है इस समय। और इसीलिए मैंने कहा कि आंतरिक कांग्रेस जो बटी है, बाहरी नहीं, जो बाहरी आपको जो देखने को मिला वो बाहर की कांग्रेस थी, अंदर की नहीं। आंतरिक भी सब लोगों से बात चल रही है, सब एकजुट होकर के कांग्रेस को पुनर्जीवित करेंगे। कई लोग तो मैदान छोड़ के चले गए। मैदान छोड़ के कोई नहीं गया है, ठीक है, महत्वाकांक्षाएँ होती हैं अपनी अपनी, तो उसी को उन लोगों को बताना है कि अब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जरूरी नहीं है।